इस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर। ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488568698 9234623333। जीएस न्यूज चैनल पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज 21वां सवाल, नेपाल की राजधानी कहाँ है? ए रोम, बी टोक्यो, सी काठमांडू, डी काबुल। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ज्यादा और अधिक दिन तक सही जवाब देने वाले को जीएस न्यूज की तरफ से मिलेगा एक शानदार उपहार, साथ ही हम करेंगे एक इंटरव्यू, खास मुलाकात। भागलपुर रेंज के 10 इंस्पेक्टर और 59 दरोगा इधर से उधर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस विभाग ने स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रेंज के जिले में अपनी अवधि पूर्ण करने वाले 10 इंस्पेक्टर और 59 दरोगा को डीआईजी सुजीत कुमार ने एक जिले से दूसरे जिले या अनुमंडल में स्थानांतरित कर दिया है। इसको लेकर पूर्व में डीआईजी ने भागलपुर एसएसपी आशीष भारती, बांका एसपी अरविंद गुप्ता व तत्कालीन नौगछिया एसपी निधि रानी के साथ स्थानांतरण बोर्ड की बैठक की थी, जिसमें निर्णय लिया गया था। बिहार के 2 जिले के डीएम को मिला कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार, सरकार ने जारी की अधिसूचना। बिहार के 2 आईएएस अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वंदना किनी जो भागलपुर प्रमंडल की आयुक्त हैं और मुंगेर प्रमंडल के भी कमिश्नर के प्रभार में हैं, उनके बीमार होने की वजह से भागलपुर के डीएम भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार में है। वहीं मुंगेर के डीएम मुंगेर प्रमंडल के कमिश्नर के अतिरिक्त प्रभार में काम करेंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। सैंपल रिपोर्ट में भी नौगछिया के 6 लोग कोरोना पॉजिटिव। नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में 21 जुलाई को लिए गए 25 लोगों के सैंपल में 6 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव पाए गए लोगों में 3 महिला एवं 3 पुरुष शामिल हैं। सैंपल रिपोर्ट में आए कोरोना पॉजिटिव में नौगछिया शहर के राजेंद्र कॉलोनी के 1, पकड़ा पंचायत के 1, धररा गाँव के 1 व नौगछिया शहर के माड़वाड़ी धर्मशाला रोड की 2 महिला एवं नौगछिया नया टोला की 1 महिला शामिल है। नौगछिया अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर ए के सेना ने कहा कि पॉजिटिव पाए गए मरीज को कोविड-19 सेंटर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कोविड सेंटर की तैयारी शुरू। नौगछिया पुलिस जिला में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कोविड-19 सेंटर की स्थापना की जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक कोविड सेंटर बनाया नहीं गया है, लेकिन कोविड-19 सेंटर बनाए जाने की तैयारी शुरू है। इसको लेकर अस्पताल के नए भवन में जो भी कमी है उसे दूर किया जा रहा है। संभावना है कि 2 से 3 दिन के अंदर कोविड-19 सेंटर की स्थापना हो जाएगी। नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर ए के सेना ने कहा कि वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर कोविड-19 सेंटर की तैयारी की जा रही है। नवगछिया में चेकिंग अभियान में 3 वाहन जब्त, मास चेकिंग में 248 को जुर्माना। नौगछिया एसपी स्वप्ना जी मेश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले में लगातार वाहन चेकिंग अभियान एवं कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण हो इसको लेकर मास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को भी पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस जिले में 7 वाहनों से 7 जुर्माना किया गया, जबकि पुलिस ने 3 वाहन को जब्त भी किया है। इसके अलावा मास चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस जिले में कुल 248 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करते हुए पाया गया। बिना मास्क के सार्वजनिक गतिविधि करते हुए पकड़े गए लोगों को पुलिस द्वारा जुर्माना भी किया गया है। अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई में बाधा। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना, पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। बीए, बीकॉम, बीएससी, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीबीए, बीसीए सहित नर्सिंग कोर्स में लें निःशुल्क नामांकन। हमारा पता है एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नवगछिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8228-9569-05, 8873-9736-80। ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371-1787 7325052437 पर। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट।
नवगछिया मधुश्रावणी व्रत का हुआ समापन। मिथिलांचल के मधुश्रावणी व्रत का समापन गुरुवार को पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ। इस व्रत में ससुराल पक्ष से पूजन सामग्री एवं खीर भोग की व्यवस्था की जाती है। वहीं अहवातियों के बीच सुहाग के रूप में मेहंदी, दर्पण, कंघी, तेल, सिंदूर, चूड़ी, फल व मिठाई बांटी जाती है। नवविवाहिता सुप्रिया ने बताया कि पूजा के अंत में पान के पत्ते से नवविवाहिता की आंखें मूंद कर जलती बत्ती से शरीर पर स्पर्श कराकर सुपारी से दबा दिया जाता है। ऐसा मान्यता है कि शरीर पर टेमी दागने से पति पत्नी का बंधन मजबूत होता है। जीप सदस्य के पहल पर बदला गया बिजली ट्रांसफार्मर। नवगछिया के खरीक प्रखंड के दुर्गज पंचायत में दो दिन पूर्व हाई वोल्टेज के कारण ट्रांसफार्मर के खराब हो जाने के बाद खरीक जिला पार्षद सदस्य भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कुमकुम देवी के पहल पर बुधवार की देर रात विद्युत विभाग के पदाधिकारियों द्वारा ट्रांसफार्मर बदल दिया गया। नवगछिया राजद के बूथ कमेटी का गठन। राजद के जिलाध्यक्ष अलक निरंजन पासवान के नेतृत्व में नवगछिया प्रखंड के खैरपुर पंचायत के गुरु स्थान टोला कदवा में बूथ कमेटी का गठन किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अलक निरंजन पासवान ने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस लें। 6 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इस्माइलपुर महादलित टोला का राशन पानी बंद। 5 दिन पहले 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद इस्माइलपुर प्रखंड के नारायणपुर चंडी स्थान के महादलित मोहल्ले के लोगों का ग्रामीणों ने राशन पानी बंद कर दिया था। 5 दिनों से राशन पानी बंद होने से मोहल्ले के करीब 100 घरों में हाहाकार जैसी स्थिति है। 4 से 5 घरों में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला है। महादलित मोहल्ले के सुबोध कुमार, ब्रजेश दास, गौतम दास, सोनू दास, विकास दास सहित कई अन्य लोगों ने बताया कि जब वे लोग किराना दुकान पर राशन लेने जाते हैं तो उन्हें यह कहकर भगा दिया जाता है कि ये लोग कोरोना फैला रहा है। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर इस्माइलपुर के थानाध्यक्ष प्रेम शाह मौके पर पहुंचे और गांव के सभी जनप्रतिनिधि को बुलाकर समझाया बुझाया। थानाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा कि दुकानदारों और ग्रामीण को जनप्रतिनिधियों और पुलिस के स्तर से समझाया बुझाया गया है। वहीं समझाने बुझाने के बाद दुकानदार महादलित मोहल्ले के लोगों को भी राशन देने और अन्य सुविधा देने पर राजी हो गए हैं। कदवा दियारा के भूतनाथ स्थान के समीप मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। कदवा दियारा पंचायत के भूतनाथ स्थान समीप कोसी बांध को बचाने के लिए 10 दिन पहले किए गए कटाव निरोधी कार्य के बाद भी बांध पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ठाकुर जी कचहरी टोला से सटे इस बांध के पास कोसी नदी की तेज धारा ने इतनी भयावह स्थिति पैदा कर दी है कि वहां काफी तेज से बांध का कटाव हो रहा है। नवगछिया में कोरोना से पीड़ित अधेड़ की गई जान। नवगछिया के राजन कॉलोनी निवासी एक वृद्ध की जान कोविड-19 से चली गई। परिजन ने बताया कि वृद्ध पिछले 10 दिन से बीमार चल रहे थे। बुधवार को देर रात उन्हें काफी खांसी होने लगी। सुबह जगने के बाद उन्हें गर्म पानी दिया गया और गर्म पानी पीते ही उनकी मृत्यु हो गई। वृद्ध की मृत्यु होने के बाद आसपास के लोगों को संदेह हुआ कि कहीं वृद्ध कोविड-19 से पीड़ित तो नहीं है। इसी संदेह में नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल को सूचना दी गई जहां वृद्ध का एंटीजन किट से टेस्ट किया गया और यह पदाधिकारी के निर्देश प्राप्त होने के बाद नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक अरुण कुमार सिन्हा ने टेक्नीशियन की एक टीम को मृतक के घर राजेंद्र कॉलोनी के लिए रवाना किया। टीम में टेक्नीशियन जमशेद और अजीत प्रकाश शामिल थे। जाँच उपरोक्त रिपोर्ट पॉजिटिव आया जिसके बाद युवा जदयू के जिलाध्यक्ष सोनू जायसवाल, इस्माइलपुर के जिला पर्षद विपिन कुमार मंडल सहित कई अन्य के कहने पर नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल द्वारा मृतक के परिजन को 4 PPE किट और सब को पैक करने के लिए एक पैकेट दिया गया। फिर स्थानीय लोगों के सहयोग से भागलपुर विद्युत सुविधा गृह भेज दिया गया। भवानीपुर में मास्क नहीं लगाने पर 40 लोगों से वसूला जुर्माना। नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर चौक, भवानीपुर चौक, मथुरापुर बाजार एवं बीरबन्ना चौक पर गुरुवार को भवानीपुर पुलिस ने मास्क नहीं लगाकर घर से बाहर घूमने वालों लोगों से लगभग 40 लोगों से 2,000 रुपए जुर्माना वसूल किया। उक्त जानकारी थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने देते हुए बताया कि बीरबन्ना चौक से मटर गश्ती कर रहे 3 बाइक को भी जब्त किया गया है। नारायणपुर जदयू नेता जख्मी। नारायणपुर भवानीपुर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड में गुरुवार की दोपहर लगभग 1:30 बजे जदयू नारायणपुर के मीडिया सेल प्रभारी गौतम मंडल गड्ढे में तब्दील सड़क में बाइक लेकर गिर पड़े जिससे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मौके पर स्थानीय लोगों की मदद से जदयू नेता को मथुरापुर बाजार के उर्मिला क्लिनिक में इलाज हेतु भर्ती कराया। चिकित्सक ने जहां खतरे से बाहर बताया है। बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने पोदार गली नवगछिया। अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, फ्लाई, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल 8294-855-586,
बैग है लेना तो बैग च्वाइस ही है जाना।